चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग मॉडल जब से मार्केट में आया ए इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया रीजन स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल्स हर पर्सन ने हर इंडिविजुअल ने जो है इसका इतना यूज किया कि इसका ट्रेंड जो है जब से इसने मार्केट में एंटर किया और अब तक जो है इसका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन है चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने जो है लॉन्च किया था नवंबर 2022 में और जबी से जो है इसका ट्रेंड जो है इतना मेंटेन रहा कि सभी ने जो है इसका इतना यूज किया कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95 टू 100 परसेंट के बीच में रही और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने जो है चैट जीपीटी की एक्यूरेसी और इसकी परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए कुछ चेक करने के लिए यूपीएससी उसी के सेंट वन क्वेश्चन पेपर के साथ जिसके अंदर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज या एक हेडलाइन ये रही कि चैट जीपीटी जो है आपका कंप्लीटली फेल हो गया यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और वो उस यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को पास नहीं कर पाया टोटल हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं जो कि एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने पिकअप किया था टू तो चेक द एक्यूरेसी टू तो चेक द परफॉर्मेंस ऑफ चैट जीपीटी उसके लिए जो है 2020, 2022 का जो है है 2020-22 का वहां पे use किया गया था एक्यूरेसी चेक करने के लिए आउट ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी जस्ट 54 क्वेश्चंस के जो है आपके करेक्ट आंसर दे पाई जो कि यूपीएससी की कट ऑफ कैटेगरी से बहुत दूर था रीजन जो यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्स 85 टू 90 मार्क्स के बीच में होती है आउट ऑफ 100 और इसी रीजन की वजह से जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में पर इसी रीजन की वजह से जो कि करेक्ट एक्यूरेसी हमारी अप्रोक्स 85 फाइव टू नाइनटी मिलनी चाहिए थी फॉर इंडिविजुअल्स और वही चीज अगर हम मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग मॉडल से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी हमें ह्यूमन से ज्यादा मिलनी चाहिए बट चैट जीपी जो है यहाँ पे यूपीएससी प्रिलिम्स का एग्जाम्स क्लियर करने में जो है फेल हो गया बिकॉज वो जस्ट 54 फोर के करेक्ट आउटपुट हमें दे पाया जो कि एक्सपेक्टेंसी उसकी थी कि वो मोर देन नाइन्टी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ हंड्रेड हमें करेक्ट आउटपुट देगा और एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन की उस रिपोर्ट को जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे उसके सभी एनालिसिस सभी ट्रेंड सभी पैटर्न्स जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो है लास्ट में जो है मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी जो कि एआई का एक लर्निंग मॉडल है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक मॉडल है वो क्यों फेल हो गया जबकि वो सभी क्वेश्चन के जो है आंसर करेक्टली दे सकता था क्यों वो फेल हुआ उसका रीजन भी जो है मैं इस वीडियो के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताऊंगा सो स्टे तो अभी जो जो है है जो है है हम एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन के ऑफिशियल वेबसाइट पे पे ये रिपोर्ट आपकी प्रेजेंट और जिसका हम जो है अब एनालिसिस करेंगे इस वेबसाइट का इस वेब पेज का जहाँ पे रिपोर्ट अवेलेबल है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी वजह से जो है आप खुद जो है इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और इसके एनालिसिस और को देख सकते हैं सो so, इसका हेडलाइन आप यहां पे देखेंगे यहां पे इसकी हेडलाइन है विद चैट जीपीटी अटेम्प्टेड यूपीएससी एग्जाम तो चैट जीपीटी ने जब जो है यूपीएससी एग्जाम स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स का जो है इसने जो है एग्जाम अटेम्प्ट हमने जो है इसका कराया बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस और जनरली अगर मैं इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एग्जाम की बात करूं जिसके क्वेश्चंस जो है इस रिपोर्ट के अंदर जो है चैट जीपीटी से पूछे गए तो उसके अंदर जो है नियरली इलेवन पॉइंट कैंडिडेट्स जो है अपियर हुए थे इस एग्जाम को देने के लिए तो इसके अंदर जो है सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी का जो है कुछ इस तरीके से जो है इंटरफेस आपका ओपन होता है तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो ए आई लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी उसके पास जो है वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और यूपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड जो कि ट्रू है बिकॉज इसको जो है बहुत

सो यू पी एस सी ब्रेक्स चैट जी पी टी जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था तो एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन ने जो है चैट जी पी टी से जो है पूरे हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे क्वेश्चन पेपर वन सेट ए के कौन से एग्जाम के यू पी एस सी फिल्म ट्वेंटी ट्वेंटी टू के जो कि वेब पेज पर आपको अवेलेबल है जिसके क्वेश्चन और आंसर भी अभी तक अवेलेबल हो गए जिसका आप जो है यूट्यूब पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे जो है जाके उस पेपर को देख सकते हैं और इसका जो मैं फाइनल आउटपुट मिला वो ये मिला सरप्राइजिंग जो आंसर थे हमारे पास कि जस्ट 54 फ़ोर का जो है हमारा चैट जीपीटी आंसर दे पाया और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे मेंशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा उसका एनालिसिस करूंगा बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020-21 में जो है हमारी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की वो थी 87.54। सेवन पॉइंट चैट जी जो है हमारा यूपीएससी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया क्यों क्योंकि उसने जस्ट जो है आपके 54 फोर क्वेश्चन के राइट आंसर दिए थे और अप्रोक्सीमेटली 30 परसेंट से जो है हमारा चैट जीपीटी फेल हुआ है यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए अब इसका रीज़न क्या था जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों एक ऐसा मॉडल एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल जो कि हर एक टाइप के आपके आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है चाहे वो स्टूडेंट के आंसर्स हो चाहे वो प्रोफेशनल्स के आंसर्स हो इवन यहाँ तक की जो चैट जीपीटी है वो आपको आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है कंप्लीट कोड जो है टाइप आपको करके दे देता था बट ऐसा क्यों हुआ कि वो जस्ट फिफ्टी फोर क्वेश्चन का ही जो है आंसर आपको करेक्टली दे पाया बाकी क्वेश्चन का नहीं दे पाया इसका रीजन है चैट जीपीटी की नॉलेज अब चैट जीपीटी की जो नॉलेज है नॉलेज का मीनिंग है जिस डेटा पे जो है हमने चैट जीपीटी को ट्रेन किया है बिकॉज वो एक ए मॉडल है बेसिकली लैंग्वेज मॉडल या आप चैट बॉट उसे बोल सकते हैं जो कि आपकी क्वेरी से रिलेटेड आपके टर्म से रिलेटेड जो है आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है अब चैट जीपीटी की नॉलेज जो है उसको ट्रेनिंग जो हुई थी वो हमने सेप्टेम्बर ट्वेंटी तक के डेटा पे जो है उसको ट्रेन किया था और इसी वजह से जो है हमारा यू पी एस सी प्रियम्स के एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे चाहे वो नेशनल रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर वो इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन हो उन सभी को जो है वो आंसर नहीं कर पाया अगेन इसका रीज़न बिकॉज उसका जो डेटा था जिसपे उसको ट्रेन किया गया था वो जस्ट था हमारा सेप्टेम्बर ट्वेंटी का और यही जो है हम बोल सकते हैं कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या किसी भी लैंग्वेज मॉडल की या कोई भी आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टूल्स हो टेक्नोलॉजीज हो सॉफ्टवेयर हो उन सभी की जो है ये एक लिमिटेशन है कि उसका डेटा जो है हमें कंटिन्यूसली जो है अपडेट करना पड़ेगा कंटीन्यूसली एनहांस करना पड़ेगा ताकि वो जो है हमारे करेक्ट आउटपुट जो है हमें प्रोवाइड करा सके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उन क्वेश्चंस के जो कि चैट जीपीटी से आस किए गए थे तो ये जो है आर से और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि चैट जीपी से पूछा गया था और इसके कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है और इसने हमें आउटपुट दिया था करेक्ट स्टेटमेंट्स आर वन एंड टू ओनली देर फोर द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज वन एंड टू ओनली तो इसने जो है अपने रेफरेंस में अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो है इसने आपको आउटपुट दिया जो कि हो सकता है सही हो हो सकता है गलत हो बट यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जैसे आप देख सकते हैं ये एक सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन पूछा गया था चैट जीपीटी से जो कि इसने जो है गलत इसका आंसर दिया बिकॉज ये हिस्ट्री से रिलेटेड था तो इसने जो है आउटपुट दिया वन एंड थ्री बट एक्चुअल में जो है इसका आंसर इसने गलत प्रोड्यूस किया और यही एक वन ऑफ द क्वेश्चन है जो कि उन हंड्रेड क्वेश्चन में से आउट ऑफ फिफ्टी फोर के अलावा जो है कुछ गलत जो है जिसने यूपीएससी प्रियम से एग्जाम का आउटपुट जो है चैट जी पी टी ने हमें दिया तो इस तरीके से आप इस पूरी रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए और यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट के अंदर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां पे एग्जैक्टली exactly मैंशन है कि कौन से एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन पेपर और कौन सा सेट जो है? है इसके क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए गए हैं एट लास्ट मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि क्यों हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मैं बोल चैट जी क्यों फेल हुआ यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहे वो एग्जाम की हम बात करें चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो चाहे वो एक छोटी सी ही इंफॉर्मेशन हो सपोज बहुत सारे ऐसे करंट इश्यूज होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं जिनका डेटा जो है हमारे चैट जीपीटी के मॉडल पे अपडेटेड नहीं है तो इस वजह से जो है आपका चैट जीपीटी आपको करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा और इसमें चैट जीपीटी की कोई भी गलती नहीं है और आप इस टूल को जो है कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं थैंक यू